हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लकांटो पर ऐड कैसे डालें। दोस्तों, क्या आप भी लकांटो पर ऐड पोस्ट डालना चाहते हो या फिर आप सीखना चाहते हैं लकांटो पर ऐड कैसे डालें, तो फिर ये वीडियो आप सभी के लिए है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। यदि आपने मेरा सुखदेव कनाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको डिटेल में बता देते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं लकांटो के एप्लीकेशन में। तो आप भी इसी प्रकार आप चले जाना लकांटो की एप्लीकेशन में, ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं लकांटो के अंदर। तो सबसे पहले आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों, पहले होम पेज है, उसके बाद माई एड्स है, पोस्ट ऐड है, मैसेज, माई लकांटो। यहाँ पर हम अकाउंट के बारे में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पोस्ट ऐड पर क्लिक करना है, नीचे प्लस के आइकन पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर टाइटल दिखाई दे रहा होगा, ऊपर पेंसिल के आइकन पर। यहाँ पर नीचे टाइटल देना है, हम कोई भी एक टाइटल दे देते हैं। दोस्तों, आप किसी प्रकार का भी ऐड पोस्ट डालना चाह रहे हो, उसी प्रकार का आप टाइटल दे लेना। तो दोस्तों, मैं दे देता हूँ कोई भी एक टाइटल। दोस्तों, मैंने टाइटल दे दिया है। तो नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद जो भी आप कैटेगरी की ऐड डालना चाहते हैं, उसी प्रकार की कैटेगरी को चूज़ करें। दोस्तों, मैं जिस प्रकार का ऐड डालना चाहता हूँ, उसी प्रकार की कैटेगरी चूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, आप भी अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेना, जो भी किसी भी प्रकार की कैटेगरी हो, उसी प्रकार पर आपको। दोस्तों, मैंने कैटेगरी चूज़ कर ली है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पर ऊपर टाइटल दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ गया है नीचे। अभी यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन कोई भी दे देते हैं। दोस्तों, आप भी इसी प्रकार डिस्क्रिप्शन डाल देना। दोस्तों, जो भी टाइटल रख रहे हो, उसी हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन भी लिख देना। दोस्तों, मैं भी एक डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, इसी इसी के तौर पर समझ सकते हो आप। तो कोई भी मैं डाल देता हूँ, व्हाट्सएप मैसेंजर हॉट एड्रेस शॉपिंग। न्यू फॉर्म द दोस्तों, आप भी इसी प्रकार डाल देना डिस्क्रिप्शन। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पर इमेजेस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ऐड इमेज, यानी कि आपको एक फ़ोटो चूज़ करना है या फिर एक या उससे भी ज़्यादा हम डाल सकते हैं फ़ोटो। यहाँ पर गैलरी पर जाकर आपको फ़ोटो चूज़ कर रहना है। दोस्तों, मैंने एक फ़ोटो चूज़ कर लिया है आपको दिखाने के लिए। दोस्तों, आप भी इसी प्रकार इसी को देखकर आप आसानी से आप ऐड डाल सकते हो। डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है साइड में।
कॉर्नर में। यहाँ पर डन करने के बाद यहाँ पर हमारा इमेज सिलेक्ट हो चुका है। दोस्तों आप इमेज खुद का भी डाल सकते हो या जिस चीज़ के बारे में आप ऐड डालना चाह रहे हो उस चीज़ के बारे में डाल सकते हो। उसके बाद डालने के बाद ये नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद या लड़का है या लड़की है यहाँ पर उसकी एज डालनी है, यूअर एज यानी कि उसकी एज डालनी है। दोस्तों मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों आप जो भी एज हो वो सिलेक्ट कर लेना। नीचे वेबसाइट, वेबसाइट यानी कि आप जो भी चीज़ चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं या फिर व्हाट्सएप चलाते हैं या फिर आप कोई भी इंस्टाग्राम या कुछ भी ट्विटर चलाते हैं यहाँ पर उसका लिंक दे सकते हैं। दोस्तों मैं नहीं दे रहा हूँ। नीचे नंबर डाल देता हूँ, कोई भी एक नंबर डाल देता हूँ। दोस्तों आप भी इसी प्रकार नंबर डाल देना। तो वेबसाइट डालनी हो तो डाल सकते हो, तो अभी के लिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर एड्रेस यानी कि आप जहाँ पर ऐड दिखाना चाहते हो वहाँ की लोकेशन डाल देना, यानी कि उस शहर का नाम डाल देना, कंट्री का या शहर का उस चीज़ का डाल देना। यहाँ पर दोस्तों मैंने डाल चुका हूँ। नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ऊपर टाइटल आ गया है जो हमने डाला था। उसके बाद कैटेगरी आ चुकी है। दोस्तों उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ चुका है, ईमेज भी आ चुकी है, यूअर एज भी आ चुकी है, मोबाइल नंबर भी आ चुका है, एड्रेस जहाँ पर हम ऐड दिखाना चाहते हैं वहाँ का आ गया है। दोस्तों इसमें कोई भी चेंजिंग करना चाहते हो तो अभी भी कर सकते हो यहाँ पर। दोस्तों फिर बाद में नहीं चेंजिंग होगा। यहाँ से हम कोई भी किसी प्रकार का चेंजिंग करना चाहते हो, किसी टाइटल चेंज करना चाहते हो या डिस्क्रिप्शन यहाँ हम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मैंने डाल दिया है, सही है, मैंने सही डाला है। तो मेरा तैयार हो चुका है ऐड। तो नीचे प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये सभी डिलीट हो जाएगा। दोस्तों अब प्रीव्यू नहीं करना है। नीचे पोस्ट यूअर ऐड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद ही यहाँ से हमारा खुल कर आ जाएगा। प्रोड्यूस पर क्लिक कर देना नीचे कॉर्नर पर। दोस्तों आप देख ही सकते हो हमारा ऐड आसानी से डल चुका है। दोस्तों आपका भी ऐड डल चुका होगा। दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं वो ऐड कहाँ डली है। दोस्तों माई ऐड पर जाने के बाद ऊपर हमारा जो भी टाइटल दिया होगा वो आ जाएगा, जो भी हमारे एड्रेस दिए वो आ जाएगा, कंट्री भी आ जाएगी, कैटेगरी भी आ जाएगी। दोस्तों गेट मोर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारा जो हमने जो ऐड डाली थी वो आ चुकी है यहाँ पर ऐड। दोस्तों आपका भी यहाँ पर आ चुका होगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। अगली किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तो बाय।